हेलो डॉक्टर लाहौरिया दवाखाना। हाँ हाँ जी कहिए। अम्मा अब कहना क्या है, अरे जो भी कहेंगे वही आकर कहेंगे। वैसे आप बोल कौन रही हैं? जी मैं इस दवाखाने की नर्स बोल रही हूँ। ओहो तो लर्निंग लाइसेंस बोल रही है? हाँ यार पक्का लाइसेंस नहीं है क्या? लर्निंग लाइसेंस पक्का लाइसेंस? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये लीजिए डॉक्टर साहब आ गए, आप ही इनसे बात कीजिए। डॉक्टर लाहौरिया स्पीकिंग। क्या बात कर रहे हैं जनाब, आप ही का दवाखाना है, तशरीफ ले आइए। अरे बिल्कुल तंदुरुस्त करके भेजेंगे। चिंता ना करें। है ना? नहीं नहीं आपसे नहीं कह रहा था, इधर एक खूबसूरत हसीना से बात कर रहा था। डॉक्टर साहब ये किसका फोन था? कभी कह रहा था लर्निंग लाइसेंस, कभी कह रहा था पक्के लाइसेंस से बात करनी है। वो अपनी जुबान में बात कर रहा था, दरअसल वो हमारे इलाके का ट्रैफिक सिपाही है ना माजिद खान, वो था, कह रहा था तबीयत खराब है दवा लेनी है, आ जाइए जनाब। पर वो मुझे लर्निंग लाइसेंस क्यों कह रहा था? अरे गुस्सा क्यों कर रही है, वो तो मजाक कर रहा होगा ना। मजाक नहीं हुजूर, दरअसल मुझे लगता है कि उसको हमारे राज का पता चल गया है। हुजूर आपको मालूम है कि लर्निंग लाइसेंस की मियाद कितनी होती है? यही कोई क्या हुजूर? आपने तो आज तक बनवाया ही नहीं, पूरी गाड़ी धकेले जा रहे हैं। हुजूर लर्निंग लाइसेंस की मियाद होती है 6 महीने, और हुजूर नाजनी को भी इस दवाखाने में 5 महीने हो गए, अब ले दे के सिर्फ 1 ही महीना रह गया। सुलेमान मेहरबान। आज देखना मैं इस ट्रैफिक के सिपाही का किस तरह से चालान काटता हूँ, ये हर बार मुझे कोई ना कोई वजह बताकर मेरी गाड़ी का चालान। अब कौन है, कहाँ पर है भाई? अबे हमारे होते हुए कोई दूसरा चालान काटने की बात कर रहा है? डॉक्टर साहब ये हाथ तो छोड़ दीजिए, अगर गोली चल गई तो परमानेंट चालान कट जाएगा। अमर डॉक्टर साहब हमारा कौन है जो बीच में बोल रही है? ये हमारे इस दवाखाने का CCS है। CCS? CCS मतलब कंपाउंडर कम चपरासी कम सिक्योरिटी गार्ड सुलेमान। ये क्या सिक्योरिटी करता होगा, हमारे इसकी हालत देख के तो ऐसा लग रहा है कि एक्सीडेंट के होने के बाद भी बिना रिपेयर के गाड़ी सड़क पे चल रही हो। क्या क्या कहा, एक्स फौजी सुलेमान की बेइज्जती है। सुलेमान जी मेहरबान खामोश हो जाइए। ठीक है हुजूर आप कहते हैं तो हो जाता हूँ। इनका कहने का ये मतलब नहीं था, ये तो मजाक कर रहे थे है ना? मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं संजीदा होकर बोल रहा हूँ। क्या करेगा बे तू? हुजूर जरा पीछे तो होइए, हुजूर जरा मुझे पकड़ के रखिएगा। हाँ क्या संजीदा हो? मैं संजीदा हूँ। संजीदा हो? मैं बिल्कुल संजीदा हूँ। अब तू करेगा क्या? मैं क्या करूँगा, संजीदा हो तो ठीक है, मजाक मुझे भी पसंद है। देखिए हसन आप इत्मीनान से तशरीफ रखें और अपने मर्ज के बारे में तफसील से बताएं जरा। डॉक्टर साहब कोई एक मर्ज हो तो बयां करूं, मैं यहाँ तक पूरे पेट का ट्रैफिक जाम हो रही है, अब पेट में गुड़गुड़ अब गुड़गुड़ अब गुड़गुड़ सी लगी हुई है। गुड़गुड़े गुड़गुड़े। हुजूर मुझे लगता है कि आपके नो पार्किंग जोन में गाड़ियां ही गाड़ियां खड़ी हो गई। नहीं जी इनके कहने का मतलब है कि आपके स्टेट में बहुत सारे मर्ज हो गए हैं और इनका चालान काटने के लिए इलाज करने के लिए आपको डॉक्टर लाहौरिया की दवा खानी पड़ेगी। डॉक्टर साहब इसका मतलब आपके यहाँ नकली दवाइयों से भी इलाज होता है? सुलेमान जी मेहरबान। हाँ डॉक्टर साहब हमारा पेट के अलावा हमारे टांगे भी बहुत दर्द कर रही हैं। अब क्या है कि सारा दिन सड़कों पे खड़ा होना पड़ता है ना। अच्छा तो खड़े क्यों रहते हो? कहीं बैठ जाए करो ना। अमां कैसी बातें कर रही है आप नाजनी,
आपके कहने का मतलब है महकमे ने इनको हर चौराहे पर मेज कुर्सी दे रखी है। आप इन लोगों की बात का बुरा मत मानिएगा, दरअसल क्या कि कम तनख्वाह के मुलाजिम है ना, जो मुंह में बोलते रहते। डॉक्टर साहब, तो क्या आप इनको पूरा पे स्केल नहीं देते क्या? हुजूर, ये पे तो हटा दीजिए, सिर्फ स्केल स्केल दिखाते हैं। अजी, हम अगर अपनी बकाया तनख्वाह मांग ले ना, तो ये हमें स्केल यानी फुट्टे से मारने को दौड़ते हैं। अम्मा डॉक्टर साहब, एक बात और है, अब मुझे गुस्सा बहुत आता है, कोई एक बात को दोबारा पूछ ले तो मैं आपे से बाहर हो जाता हूँ। हुजूर, आप कहाँ से बाहर हो जाते हैं? आपे से बाहर हो जाता हूँ। अम्मा आप मेरे सर के ऊपर क्यों खड़े हैं? अम्मा अपनी पार्किंग में जाइए, खड़े हो जाइए, ना क्रेन लगवा दूंगा। लगवा देंगे हुजूर? अम्मा क्रेन से उठवा दूंगा। अम्मा आप कौन होते हैं हमको उठवाने वाले? उठाने वाला तो अल्लाह मियां है। देखे देखे जनाब, आप क्यों उठ रहे बैठिए। डॉक्टर साहब, गुस्सा भी तो एक मर्ज होता है ना। हाँ, एक मर्ज होता है। दोबारा अगर मेरे को छेड़ने की कोशिश करी तो ये मर्ज मुझे लग जाएगा। देखिए, ज्यादा गुस्सा ना करा करें, ये सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। डॉक्टर साहब, हमें तो बताइए कि मैं क्या करूं। अरे हुजूर, माफ कीजिएगा, गुस्सा मत कीजिए हुजूर, जब भी गुस्सा आए तो आप बस दूसरी तरफ से यू टर्न ले लीजिए करिए। नहीं हुजूर, उधर से। अच्छा, तो आपका ये घर बाहर गुस्सा एक जैसा ही रहता है? अमां डॉक्टर साहब, घर पर तो बीवी और बच्चों पर और भी गुस्सा आता है। अरे मियां, आप तो गजब ढारिये हो। हैं, हमारे जो डॉक्टर साहब हैं, ये तो अपनी बीवी से घर पर बहुत डरते हो, भागते हैं मियां, और आप अपनी बेगम पर गुस्सा करते हो। सुलेमान जी, मेहरबान। अच्छा एक बात बताएं, आप जब अपनी बेगम पर गुस्सा करते हैं तो वो नाराज नहीं होती? अमूमन तो ऐसा होता ही नहीं है, पर डॉक्टर साहब पिछले महीने वो मुझसे जोर से बोली तो हमने भी कहा बेगम साइड में आ जाइए, निकाह के पेपर चेक करवाइए। निकाह नामे पर नाम तो दुरुस्त था, ये आपकी जगह कुछ और लिखा था। दुख दिखाइए, कहाँ याद कीजिए। मैं कहाँ हो तुम? छोड़ूंगा नहीं। अब मैं आपकी बीमारी बिल्कुल समझ गया। अरे वाह डॉक्टर साहब, आए बड़ी देर से समझ में आई। सुलेमान मियां, आपको तो अभी भी समझ में नहीं आई होगी। गुस्सा आता है, आपके पेट में गुड़गुड़ होती है, आपकी टांगे कमजोर है, इसका मतलब आपकी टांगों की कमजोरी की वजह से आपके पेट में गुड़गुड़ होती है, और जिसकी वजह से पेट में गैस बनती है, वो गैस आपके दिमाग में जाकर गुस्से का रुख अख्तियार कर। वाह वाह, अमा वाह डॉक्टर साहब वाह, अमा क्या पकड़ा है बीमारी को। अमा डॉक्टर साहब देर क्यों लगा रही हैं, फिर बीमारी का चालान काट दीजिए। ये दवा दिन में दो दो गोली तीन बार ले लेना, फिर देखना आपके पेट की गैस तो क्या आपकी जान भी निकल जाएगी। ये लीजिए आपकी दवा। शुक्रिया। डॉक्टर साहब, अब फीस भी बता दीजिए। सिर्फ 1,000 रुपया। 1,000? लगता है डॉक्टर साहब की एक साथ इकट्ठे ही चालान काट रहे हो। कोई बात नहीं मियां, जिस दिन डॉक्टर साहब का खटारा आपके हाथ से चढ़ जाए, उस दिन अगला पिछला हिसाब बराबर कर ले। सुलेमान, कैसी बातें कर रहे हो, तुम तो मेरे मुलाजिम हो ना। तो डॉक्टर साहब, ये रही फीस आपकी। आज तो आपको फीस देते हुए अच्छा नहीं लग रहा होगा, है ना? जरूर। आज आया ऊंट पहाड़ के नीचे, आज आपको पैसे देते हुए कैसा लग रहा है। आज तक आप लोगों का चालान काटते थे, आज आपका कट रहा है।